चलिए अभी उनको इनके कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं, ठीक है। तो इसमें है ना, क्या बोला था हमसे ये व्हाट दैट ब्रोमोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो था इसी वाला कंपाउंड बनाना था ना। तो क्या करोगे आप, ये रिएक्टेंट है इसके ऊपर सबसे पहले, जैसे इस रिएक्शन में क्या करना है, मिथाइल और ओएच ऑपोजिट साइड है, मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक कार्बन पर ओएच जोड़ रहे हो, और एच और ओएच कैसे, दीज आर ऑन द सेम साइड, क्योंकि मिथाइल और ओएच ऑपोजिट साइड है, मतलब एच और ओएच सेम साइड है। तो एच और ओएच सेम साइड कौन से रिएक्शन में जोड़ते हैं, दैट इज इन हाइड्रो बोरोनेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब यहाँ से हमको सोचना है, हम बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रो बोरोनेशन ऑक्सीडेशन करवाएं, बट उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसके, दैट इज ऑफ अल्कीन। तो इस कंपाउंड को अपने को अल्कीन में कन्वर्ट करते आता है, क्या करवा दें इसका अपन, तो हम बोलेंगे अल्कोहलिक के ओएच के साथ इसका डिहाइड्रो हैलोजनेशन करवा दें, क्या बन जाएगा, सी वाली अल्कीन बन जाती है। इस अल्कीन पर हम क्या करवा देंगे, दैट इज एच बी ओ, हाइड्रो बोरोनेशन ऑक्सीडेशन। तो इससे एच और ओ एच कहाँ आ जाएंगे, देयर ऑन द सेम साइड, आए ना समझ में, ठीक है। जैसे एच और ओ एच सेम साइड आ जाते हैं, तो इससे क्या मिल जाएगा, ये डिजायर्ड कंपाउंड हमको मिल जाता है। क्लियर हो गई बात, ये है। तो थीम ऑफ द क्वेश्चन वॉज वॉट, बोला कि इसको इसमें कन्वर्ट करना था, बट इसको बनाने की हमको ज़रूरत थी अल्कीन की, अल्कीन हमारे पास थी नहीं, पर हमारे पास जो था उसको हमको अल्कीन में कन्वर्ट करते आता था। हमारे पास था अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में ले जाने के लिए क्या करते हैं, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन। उसके लिए रिएजेंट हम क्या लेते हैं, अल्कोहलिक KOH, क्या बना है, दिस इज सेडजेस प्रोडक्ट, इसके ऊपर B2H6 THF, ठीक है, फॉलोड बाई H2O2 एंड OH निगेटिव, क्या आ जाएगा, एच ओ एच ऑन द सेम साइड। क्लियर है ये, है ना। फिर इसके बाद ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्साडाइईन बनानी कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप एंड फिस कार्बन, ठीक है। तो इसमें भी वही, इसमें यदि हमको क्या करना है, दो जगह हमको पाई बॉन्ड लाने हैं, तो या तो दो जगह आप डिहाइड्रेशन करो, या दो जगह आप क्या करो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। हम थीम क्या है कि किसी तरीके से इस कंपाउंड को दें डायब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकें, तो डायब्रोमाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवा देंगे तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करवाते हैं, ब्रोमीन लाइट, तो ब्रोमीन का रेडिकल हाईली सिलेक्टिव होता है, तो क्या बन जाएगा ये, हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन पर BR। अब इसका क्या कर रहा है, अल्कोहलिक KOH, तो क्या बन गया, दैट इज दिस साइक्लोहेक्सीन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप। अब अल्कीन के ऊपर आपको क्या करते आता है, हम बोलेंगे ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो 2 BR आ जाते हैं यहाँ पर। अब 2 BR यदि आ गए यहाँ, तो कौन सी चीज़ हो गई, हमने बोला काम हो गया हमारा, 2 BR यदि यहाँ पे आ गए तो क्या हो जाएगा, अब इसका हम अल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रो हैलोजनेशन करवा लेंगे, तो क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे द डिजायर्ड कंपाउंड। समझ आई ना बात, ये है। तो हमको किसी तरीके से इस कंपाउंड तक पहुँचना था, क्योंकि इसका डिहाइड्रो हैलोजनेशन करके ये बन जाता था। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या, हमने बोला इसके ऊपर सबसे पहले ब्रोमिनेशन, फिर अल्कोहलिक KOH से अल्कीन, फिर अल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन, इससे डायब्रोमो कंपाउंड, और डायब्रोमो कंपाउंड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इससे ये वाला कंपाउंड। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो कौन सा होता है, हम बोलेंगे इट इज व्हाट दैट, प्रोपेन टू ऑल। इसका यदि हम क्या करवा देंगे, तो हम बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। तो सिंपल है ना, ये टर्मिनल अल्कोहल जो होता है किससे बनता है, दैट इज बाय HBO, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे HBO किसका होता है, अल्कीन का, और अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, अपने को आता है क्या कि अपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ हीटिंग, है ना, ये अपन यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली, तो क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 विथ बॉइलिंग, ठीक है। बट चलेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, क्या बना इससे प्रोटीन, प्रोटीन का क्या करवा दिया हमने HBO, तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोवानी का एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ HBO आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इससे क्या बन जाएगा, दैट प्रोपेन वन ऑल बन जाता है, आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है वो कौन सी, दैट इज दिस 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए कि यदि आपके पास प्रोपीन होती तो आप HBr का क्या करवा देते, मार्कोवानी का एडिशन। अब इसको आपको प्रोपीन में ले जाते हैं, आता है क्या, हाँ आता है, क्या करेंगे इसका, हम बोलेंगे अल्कोहलिक KOH डाला, तो क्या बन गया, दैट इज प्रोपीन, तो प्रोपीन पर HBr डाला, तो मार्कोवानी का एडिशन से क्या बन जाएगा, दैट 2 ब्रोमो प्रोपेन, आया समझ में। इससे फॉर्मेशन हो जाता है इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन का। अब इस बार उल्टा करना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्लियर हो जाएगा आपको कि इसका क्या करवा दोगे, आप डिहाइड्रो हैलोजनेशन, तो क्या बन गया इससे प्रोपीन, वो प्रोपीन पर आप क्या कर दोगे, HBr परऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा इस बार, एंटी मार्कोवानी का एडिशन, तो इससे क्या बन जाएगा, दैट 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है, अच्छे से समझ में आते जा रहे ना, दीज आर सिंपल, अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मैं दूंगा, बट एक बार बेस बन जाए ना कि हाउ टू अप्रोच, तो वन यू आर डेवलपिंग द अप्रोच,
डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो सो कॉल्ड बन जाएंगे, वो एक्चुअली आपके लिए सिंपल हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद एक टू ब्रोमो प्रोपेन से इट इज वन टू डाई ब्रोमो, क्लियर ना। वन टू डाई ब्रोमो के लिए क्या जरूरी है, हम बोलेंगे हमारे पास यदि क्या हो प्रोपीन हो तो उसके ऊपर अपन ब्रोमीन इन CCl4 का एडिशन करवा देते हैं। तो कौन सी चीज़ें, तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन है तो नहीं, पर इससे हमको प्रोटीन बनाते आती है। क्या करवाया इसका हमने, अल्कोहल की वजह से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोटीन बनी, उस पर क्या कर दिया ब्रोमीन इन CCl4, तो बन गया 1,2-डाइब्रोमो। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, दोनों तो लेटर्स अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, दिस कंपाउंड OH और BR क्या होता है, इट इज ब्रोमोहाइड्रीन। ब्रोमोहाइड्रीन बनाने के लिए फिर से आपको किसकी ज़रूरत होती है, हम बोलेंगे यदि हमारे पास अल्कीन हो और अल्कीन पर भी हम क्या करवा दें HOBr का एडिशन कर दें, तो ब्रोमोहाइड्रीन बन जाता है। अब अल्कोहल है, अल्कीन मिल जाता है, आता है क्या करोगे आप, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 से डिहाइड्रेशन, क्या बन गया इससे, इट इज अल्कीन। इस अल्कीन पर आपने क्या कर दिया, इट इज Br2H2O या HOBr, तो मार्कोवानिक ऑफ एडिशन हो गया, Br पॉजिटिव आ जाएगा टर्मिनल कार्बन पर और OH आ जाएगा बीच वाले कार्बन पर जहाँ आपको लाना था, समझ आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, ये कैसे बनता है ये सोचना है, और इसके लिए क्या रिएक्टेंट लगेगा, तो वो जो रिएक्टेंट है वो आपको इससे किसी तरीके से ऑप्टेन करना है, एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, ठीक है, जैसे भी हो। तो क्या हो जाएगा, उससे हमारा सिंथेसिस आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ हम बोलते हैं नेक्स्ट वाली, हम बोलेंगे इस क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सिंपल है ना। क्या करना है, यदि आपके पास क्या होती है आइसोब्यूटीन, तो आप क्या करवा देते, वाटर का मार्कोवानिक ऑफ एडिशन करवा देते, तो काम हो जाता आपका, है ना। तो आपको अल्कीन आइसोब्यूटीन चाहिए, तो क्या कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 से इसको डिहाइड्रेट कर लो, तो आइसोब्यूटीन बन गई। अब इसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, इट इज एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कर दिया, तो मार्कोवानिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हो गया, क्या लिया इससे दैट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आई ना बात समझ में, तो बोलेंगे बात सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, है ना। अब नेक्स्ट वाला है साइक्लोपेंटेन से क्या बनाना है, इट इज आयोडो, आयोडो साइक्लोपेंटेन बनाना है। तो सिंपल है फिर से, यदि आपके पास क्या होता साइक्लोपेंटीन होती, तो उसके ऊपर आप HI का एडिशन कर देते, साइक्लोपेंटीन है क्या, नहीं, पर आ जाएगा बनाते, साइक्लोपेंटेन है, इसके ऊपर क्या किया ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बन जाएगा इससे, तो बोलेंगे इट इज ब्रोमो साइक्लोपेंटेन बन गया। इसके ऊपर अल्कोहलिक क्यूएज डाला, तो क्या बन जाएगा साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन पर क्या डाल दिया फिर HI, तो HI का क्या हो जाएगा नॉर्मल एडिशन, तो क्या बन जाएगा उससे, इट इज आयोडो साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, क्लियर है ना। सो थीम इज वॉट, हमने बोला साइक्लोपेंटेन को साइक्लोपेंटीन में कन्वर्ट करते आता हो, तो बस उसके ऊपर HI डालना है। अब साइक्लोपेंटेन को साइक्लोपेंटीन में आप डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, तो क्या किया आपने, तो आपने पहले कौन सी वाली चीज़ की, तो हमने बोला इसका ब्रोमिनेशन करवाया, ठीक है, तो उससे क्या बन गया, हमने लेट इज ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, फिर क्या करवाया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो क्या बन गया साइक्लोपेंटीन। बस अब इसके ऊपर क्या करना था, सिर्फ HI ऐड करना था, क्लियर है ऐसे से, है ना। फिर लास्ट वाला है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से क्या बनाना है, आपको क्लोरोहाइड्रीन बनाना है डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत किसकी है, तो आप बोलोगे यदि आपके पास साइक्लोहेक्सीन हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो उसके ऊपर, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर HOCl जोड़ सकते हो, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन है क्या, नहीं, पर आपके पास है क्या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, इसका साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्जन आता है क्या आपको, तो हाँ बोलोगे बिल्कुल आता है, क्या करना है अल्कोहलिक QH, तो क्या बन गया इससे साइक्लोहेक्सीन बन गया। अब साइक्लोहेक्सीन मिलते से ही खुश हो गया, क्या कर दिया अपन ने HOCl का एडिशन, क्या होता है क्लोरीन वाटर एडिशन इज एंटी एडिशन, तो OH और Cl दोनों कहाँ जुड़ जाएंगे, दैट इज ऑपोजिट साइड जुड़ जाएंगे, समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्जन करना हम सीख गए, तो अभी धीरे धीरे थोड़े और बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद फिर टफ वाले आएंगे, और जैसे जैसे फिर रिएक्शंस बढ़ती जाएंगी, तो अलग अलग चैप्टर्स के रिएक्शंस की लिंकिंग होगी, तब कन्वर्जन में और मजा आएगा, समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये तो सारे सिंपल वाले कन्वर्जन देखे, ठीक है, इनको एक बार ढंग से एनालाइज करिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइए, ठीक है, थैंक यू।